नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज लगा रहे हैं, देख रहे हैं गोभी, और ये देख सकते हैं गोभी की पौध आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से जो पनीरी है वो पहले इसको तैयार किया जाता है क्यारियों के अंदर, और इसका साइज़ आप देख सकते हो इस प्रकार से होना चाहिए। और पौधा जो हमारा पौधा होता है उसके नीचे मिट्टी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है लगाने से पहले। जब इसको उखाड़ते हैं तो मिट्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो इसके जड़ों के जो रेशे होते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हम दूसरी जगह पर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये आगे पौधा अच्छे तरीके से चल पाएगा। तो ये इस प्रकार से पहले इसको पौध को उखाड़ा जाता है कैरियों से, फिर दूसरी जगह पर आप इसको खत्ते बोलते हो, पुल बोलते हो, या इसको खुड बोलते हो, जो भी आपकी भाषा आपके क्षेत्र में बोलते हो उस प्रकार से। और दूरी मैं बता देता हूँ कितनी दूरी पर लगती है। ये देखिए, ये दूरी रहती है इस प्रकार से, यानी पौना बिलात, आठ उंगल पर ये पौधे का डिस्टेंस होता है। और देख सकते हैं किले की लंबाई, एक एकड़ की लंबाई होती है इतनी, यहाँ इस छोर से लेके उस लास्ट वाले छोर तक की जो किले की लंबाई है उसमें करीब इतने डिस्टेंस, 8 इंच के डिस्टेंस पर हम लगाते हैं, 8 उंगल पर डिस्टेंस पर हम जो लगाते हैं, तो 320 पौधे एक एकड़ की, यानी एक खुड पर एक खत्ते पर आते हैं। तो देख सकते हैं एक एकड़ में हम खुड निकालते हैं 80 से 84 के आसपास, 82, 83, 84 खत्ते निकलते हैं, खुड निकलते हैं, तो एक खत्ते पर इस छोर से लेके उस छोर तक करीब 320 पौधे लगभग लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रोपाई की जाती है। पहले इसको मिट्टी में वो साफ करके एक सैर करके इसको खुड निकाले जाते हैं, और फिर इसके खत्ते निकाल करके इसमें पानी दिया जाता है। पानी 4-5 घंटे पहले दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल ताज़ा पानी लगेगा, तो उसमें अच्छे से हमारा जो पौध है, जो बूटा है गोभी का, ये वाला अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो 4-5 घंटे पहले पानी लगाना होता है, फिर इसको रोपाई की जाती है हाथों के द्वारा। देख सकते हैं ये इधर से पूरी लेबर लगी हुई है लगाने के लिए, आस पड़ोस की ही देहात की महिलाएं जो होती है वो यहाँ लगाने का कार्य करती है। और ये इसका पूरा बिल्कुल तैयार है, एकदम स्वस्थ पौधा। इसको एक जगह से पाट के दूसरी जगह पर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस प्रकार से गोभी लगती है, और साथ में मौसम का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी देख सकते हैं मौसम बारिश का है, बादल होए पड़े हैं। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो ये पौधा क्या होता है, इस प्रकार मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो ये पौधा है तेज़ बारिश से क्या होगा, ये इस प्रकार से चिप जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से जो चलना चाहिए था वो नहीं चलेगा, वो नुकसान हो सकता है। अगर मौसम बढ़िया रहता है, 2-3 दिन इसी प्रकार से ठंड रहती है, तो ये हमारा अच्छे से इनकी जड़ जो है, इसके जो रेशे जो होते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से शारू, हम आम भाषा में बोलते हैं, इसके शारू अच्छे से ज़मीन में चलेंगे और ये अच्छा ग्रो करेगा, और हमारा जो गोभी की जो पौध है वो अच्छे से तैयार हो पाएगी, लग पाएगी, और हमें अच्छा मुनाफा दे पाएगी। दोस्तों इस प्रकार से देखिए लगाते हैं गोभी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्यूरी हो तो कॉमेंट भी कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।